घर पर मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला है 1 लीटर मिल्क, जिसको मैं इस कढ़ाई में डालूंगी। ये मिल्क कच्चा है और भैंस का दूध है, फुल क्रीम वाला दूध है। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है विनेगर, वाइट वाला विनेगर हमको चाहिए 1/2 कप। देखेंगे जब ये दूध हल्का सा गर्म हो जाएगा, इतना गर्म होगा कि मेरी 3 उंगलियां उसमें 3 सेकंड तक रुक सके, बस इतना ही गर्म करना है। उसके बाद में अगला प्रोसेस करेंगे, तब तक हम मिल्क गर्म होने देते हैं। तब तक हमें इसे धीरे धीरे चलाना है, जिससे इसका टेम्परेचर सामान्य की अवस्था में रहेगा। अब देखते हैं मिल्क इतना गर्म होना चाहिए कि हम उसे छू सकें। हाँ, ये मिल्क मैं छू सकती हूँ आसानी से। अब मैं इसमें धीरे धीरे जो है ये सिरका ऐड करूँगी, और बहुत धीरे धीरे आहिस्ता से चलाना है। और ये देखिए, बहुत धीरे से चलाएंगे। अगर हम तेज़ चलाएंगे तो दानेदार फटेगा, और अगर धीरे धीरे चलाएंगे तो क्रीम निकल कर आएगी। देखिए धीरे धीरे हमारी चीज़ निकल रही है, और लगभग 1 कप से थोड़ा कम मिल्क विनेगर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये चीज़ हमारी निकल रही है, दूध में से अलग हो रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं चीज़ निकल के बाहर आ गई है। ये देखिए, और मिल्क पूरा फट गया है। वो नीचे का जो पानी रह गया है उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम दूसरी चीज़ में यूज कर लेंगे, जैसे आटा गूंथना या सब्जी में डालना। बहुत धीरे 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 से चलाना है, और देखिए लगभग जितनी चीज़ है सब निकल के एक जगह इकट्ठा हो गई है। देखा आपने, ये चीज़ का बेस तैयार है। कढ़ाई का फ्लेम, गैस का फ्लेम मैंने पहले ही बंद कर दिया था, जैसे ही मिल्क टेम्परेचर पे आ गया था थोड़ा सा। ये देखिए, अब हम इसको हाथ से बाहर निकालेंगे। ये हमारा चीज़ निकल गया, बन गया है, बेस तैयार हो गया। हमारा मोज़रेला चीज़ लगभग रेडी है। अब मैं इसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसमें से बाहर निकालूँगी। धीरे धीरे से पूरा चीज़ हमने बाहर निकाल लिया। ये देखिए, तब बढ़िया चीज़ निकल के बाहर आया है। अब इसको मैं धीरे धीरे इसका पानी सब निकाल दूँगी, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे, गर्म पानी में डाल दिया और अच्छे से इसको डिबा दिया। लगभग 2-3 मिनट तक इसको इसी में रहने देना है। बाद हम इसे गर्म पानी से निकालेंगे, फिर इसको ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे और फिर से डुबाएंगे, फिर से ऐसे करेंगे। ये प्रोसेस हमको 3 से 4 मिनट तक करना है। ये देखिए चीज़ है, चीज़ हमारी तैयार हो रही है। देखिए पानी थोड़ा सा गर्म है, हमें ये प्रोसेस गर्म पानी में ही करना है। पानी का प्रोसेस लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हम इसे ठंडे पानी में, ठंडा मतलब चिल्ड पानी में इसको डिबाएंगे, और वही प्रोसेस पानी निकालने वाला 3-4 बार करेंगे। अभी हमने इसको डिबा के बिल्कुल पानी इसका निचोड़ लिया है। बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं रहने देना है, दबा दबा के हमको इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है, नहीं तो पानी बाद में डिस्टर्ब करता है। ये देखिए, इस तरीके से
निकल गया है पानी। अब हमें अगले कदम की तरफ चलना है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हमने लिया है एक ट्रांसपेरेंट रैपिंग शीट। अब हमें इसमें ये चीज़ ऐसे ठीक तरीके से पैक कर देनी है कि बिल्कुल एयर ना रह जाए अंदर। अब इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा के फिर हम इसको कट कर देंगे और 2 घंटे के लिए इसको हम फ्रीजर में रख देंगे। ये हमारा चीज़ रैप हो गया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए हो चुका है और ये हमारी चीज़ फ्रिज से हमने निकाल ली है। और ध्यान रखिए फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना। और ये चीज़ देखिए बिल्कुल बाजार जैसी चीज़ बन के तैयार हुई है। अब इसका मैं इस पर आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ। पिज्जा पे मैंने सॉस लगा के रखा हुआ है। ये देखिए कितनी स्मूथली सॉफ्ट इसमें ग्रेट हो रही है। ये देखिए चीज़ जैसा आ रहा है, होम मेड मोजरीना चीज़ लग के पिज्जा पे तैयार है। अब सॉस के ऊपर मैंने चीज़ लगाया। अब चीज़ के बाद मैं इसको थोड़े से वेजिटेबल्स के साथ इसको लास्ट टच दूंगी। ये और ये बाजार जैसे पिज्जा जैसा मैं बनाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा प्याज। अब मैं इसके ऊपर लास्ट जो इंग्रेडिएंट डालूंगी वो है चीज़ जो हमने घर पे बनाया, मोजरीला चीज़। उसको मैं लास्ट में डालूंगी। इसको ग्रेट करके इसके ऊपर ऐसे डाल देना। ये देखिए घर पे तैयार चीज़ से हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा बनके है रेडी। और देखिए है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। क्या बात है, यमी यमी टेस्ट। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं लेती हूँ इसका लुफ्त। यमी यमी पिज़्ज़ा घर पे रेडी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।